रमजान की जरूरतें हैं जो अहम है उसके लिए कोशिशें हो रही है। अल्लाह जो इंतजाम कर दे उस पर शुक्र करे और बताए रोजे का मतलब ही सब्र है। जो होगा इंशाअल्लाह अच्छा होगा और सब्र ही हथियार है। रमजान मुबारक, जय हिंद। एक ही सफ में खड़े हो गए दोनों, न कोई रहा बंदा न कोई रहा बंदा नवाज। अस्सलाम अलैकुम। रमजान बस आ ही गए हैं पर कोरोना के असर में है, इसलिए कई तरह के सवाल है। प्रशासन सतर्क है, फिक्रमंद है, लेकिन लॉकडाउन में लोगों ने कोरोना देखा है, उससे आ रही परेशानियों से रूबरू हुए हैं, जिम्मेदारी दिखने लगी है और इसकी जरूरत भी है। सब तरफ से कोशिशें हुई है, सबने मन बना रखा है घर में रहेंगे, इबादत करेंगे, रोजे रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। दूसरा मसला रमजान की जरूरतें हैं जो अहम है उसके लिए कोशिशें हो रही है। खलीस अल्लाह की इबादत है और रमजान का मतलब ही तैयारी है, सब्र है और मुश्किल हालात डटे रहना है। अभी तक रमजान में बेहतरीन फल से लेकर लजीज खाना दस्तरखान पर रहा है, पर इस बार हालात जुदा है। अल्लाह जो इंतजाम कर दे उस पर शुक्र करे और बताए रोजे का मतलब ही सब्र है। सिर्फ दिन भर ही नहीं करेंगे, पूरे महीने करेंगे और जैसा भी होगा उससे निपट लेंगे। जो हमारे पास है उसी से काम चलाएंगे और बताएंगे इन्हीं हालात से निपटने के लिए रोजे रखे जाते हैं। जो होगा इंशाअल्लाह अच्छा होगा और सब्र ही हथियार है। रमजान मुबारक, जय हिंद।